अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक अननाउन ब्रीड के मतलब बताऊंगा जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये दोस्तों ये सेकंड पोजीशन होल्डर है। पतोप कंपटीशन कंपटीशन में इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है, आप देख सकते हैं। और ये अब्दुल सत्तार मंज साहब की हाइफर है और इसने ये इसकी लोकेशन पाकिस्तान में है और ये सिद्धूपुरा सिटी फैसलाबाद से है इसकी लोकेशन। और दोस्तों इसने ब्यूटी कंपटीशन में सेकंड पोजीशन हासिल की है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है दोस्तों। दोस्तों इस ब्रीड के मतलब अब कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये बहुत ही एक खूबसूरत ब्रीड है ये, और ये ब्रीड दरिया चनाब के इलाके में पाई जाती है। और आप देख इस ब्रीड को हम ना तो नीली कह सकते हैं और ना ही नीली रावी कह सकते हैं। ये थोड़ी सी कुंडी में या कुछ मुर्रा टाइप उसमें क्रॉस ब्रीड है और बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इसने सेकंड पोजीशन हासिल किया है और इसी की बहन ने तकरीबन थर्ड पोजीशन हासिल किया है, वो भी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ और इसकी खासियत के बारे में बताऊँगा कुछ देर में आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों ये है सेकंड पोजीशन होल्डर, थर्ड पोजीशन होल्डर ये देख सकते हैं। ये भी अब्दुल सत्तार मंज साहब की है। ये देखिए दोस्तों अब्दुल सत्तार मंज साहब की सेकंड थर्ड पोजीशन भी ये भी है और इसने थर्ड पोजीशन हासिल किया है ब्यूटी कंपटीशन में। ये भी उसी की तरह सेम ब्रीड है, ये देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। एक तो ब्यूटी में ये इसका कमाल है और दोस्तों ये एक इसकी खासियत है ये अर्डर बहुत अच्छा बनाती है। पहले सुबह में ही बहुत अच्छा अर्डर बनाती है और दूध भी अच्छा खासा देती है ये। और आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर भी इसमें वाइटनेस आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। नीली रावी में या नीली में आप लोगों को वाइटनेस नज़र आ जाती है मगर इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी वाइटनेस नज़र नहीं आएगी। दोस्तों ये मंडियों वगैरह में मिल जाती है मगर आपको पहचान होनी चाहिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स।